आज हम बहुत ही प्यारा सा हैंडबैग बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कपड़े को हमें फोल्ड करना है। नीचे मैंने लाइनिंग के लिए कपड़ा रखा है, बीच में बुकरम है और ऊपर मेन फैब्रिक जिसकी चौड़ाई 10 इंच है और इसकी लंबाई 12 इंच है। 10x12 का ये पीस मैंने लिया है। इसके ऊपर सिलाई चलाकर इसे हम फोल्ड करेंगे। ऐसे दो पीस हमें बनाने हैं। अब देखिए जो 10 इंच वाली साइड है वहां से इसे हमें फोल्ड करना है, तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और नीचे हमें जो खुला हुआ भाग है वहां पर हल्की सी गोलाई देनी है। तो इस तरह से कटिंग कर लेंगे। नीचे की कटिंग हो गई है, अब ऊपर की ओर हमें इसे तिरछा कट करना है, तो लगभग 1 इंच तक हम इसे कट कर लेंगे। तो ये बैक की कटिंग हो गई है। दोनों पीस मैंने सेम साइज के कट कर लिए हैं। अब एक साइड हम पॉकेट बनाएंगे, तो ऊपर से 2 इंच पर निशान लगाना है, 2 इंच लेंगे और यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हम जिप लगाएंगे। जिप को उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखना है और सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो दूसरा पीस है उसे जिप के दूसरे साइड रखेंगे और इसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब इसमें हमें टॉप स्टिच लगाना है, तो जिप के किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब कपड़े का एक पीस हम लेंगे और इस तरह से नीचे रखकर चारों साइड से हमें सिलाई लगा लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए साइड से जो भी एक्स्ट्रा था उसकी मैंने कटिंग कर ली और ये हमारा पॉकेट बनकर रेडी हो गया है। तो काफी बड़ी सी पॉकेट है। अब हमें बैग के लिए हैंडल बनाना है, तो इसके लिए मैंने 18 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो दो हैंडल मैंने बना लिए हैं। साइड से 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहीं पर हमें जो हैंडल हमने बनाया है उसे रखकर सिलाई लगा लेना है। दोनों साइड इसी तरह से हमें हैंडल लगा लेना है। अब इसमें हम जिप लगाएंगे, तो जिप को मैंने खोल लिया है। जिप को उल्टा करके कपड़े के ऊपर रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसमें टॉप स्टिच लगाना है, तो इस तरह से हैंडल को ऊपर करके किनारे किनारे टॉप स्टिच लगा लेंगे। दूसरे भाग में भी मैंने जो जिप का दूसरा पार्ट था उसे लगाकर टॉप स्टिच लगा लिया है। अब इसमें हम रनर को ऐड कर लेते हैं, तो इस तरह से रनर को लगा लेंगे। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का मेजरमेंट ले लेना है, तो इंची टिप को हम यहाँ से रखकर पूरी गोलाई में इस तरह से घुमाते हुए इसका जितना भी मेजरमेंट आएगा वो हम ले लेंगे। इसमें हमें एक्स्ट्रा नहीं लेना है। तो लगभग 30.5 इंच आ रहा है ये, और इसके लिए मैंने लगभग 4 इंच चौड़ी स्ट्रिप तैयार की है। इसमें भी बीच में बुकरम है और ऊपर नीचे फैब्रिक है। एक साइड से हमें तिरछा कट करना है, तो 5 इंच पर निशान लगा लेंगे और ऊपर से बिल्कुल नोक बनाते हुए हमें कटिंग करना है, क्योंकि जिप के साथ हमें अटैच करना है। तो ऊपर से जितनी जिप की चौड़ाई है तो उतना ही इसे इस तरह से नुकीला काटेंगे, तो जिप के साथ हम इसे आसानी से अटैच कर लेंगे। दूसरे साइड भी इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। अब जो ऊपर वाली मेन जो जिप है उसी के साथ इसे रखकर हमें इस तरह से सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे और जब गोलाई पर आप इसको सिले तो ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रिप है उसे हम छोटे छोटे इसमें कट लगा लेंगे। नीचे वाले बैग वाले कपड़े को नहीं कट करना है, केवल स्ट्रिप वाले कपड़े में हम छोटे छोटे से इस तरह से कट लगाकर सिलाई करेंगे, तो बहुत ही आसानी से स्ट्रिप लग जाएगी। तो इसे हम कॉर्नर तक सिलाई कर लेंगे।
अब देखिए हमने कॉर्नर तक सिलाई कर ली जिप के ऊपर। अब इसे घुमाकर पलट लेंगे और जो बैक का दूसरा भाग है उसके साथ हम इसे सिलाई करते जाएंगे। तो जब हम नीचे वाली गोलाई पर पहुंचेंगे तो स्ट्रिप में हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और उसी तरह से जैसे मैंने आपको दिखाया था उसी तरह से सिलाई करते हुए दूसरे किनारे तक पूरी सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ भी हमें तीन चार छोटे छोटे से कट लगा लेने हैं और इसे इस तरह से घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे और हमारा सुंदर सा ये बैग बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए इसे बनाना कितना आसान था। आप चाहे तो खुली हुई सिलाई के ऊपर कपड़े की पाइपिंग लगाकर इसे कवर कर सकते हैं। तो देखिए बैग बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा ये बैग बना है। आप चाहे तो इस डिजाइन में आप बड़े या छोटे साइज का भी बैग बना सकते हैं। बनाने का तरीका सेम रहेगा। तो देखिए इसमें काफी बड़ी सी पॉकेट है जिसमें आप सामान को अलग अलग करके रख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।